हेलो एवरीवन, क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री सैंपल पेपर 2025 के सॉल्यूशन के क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट लिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आ जाओ फटाफट से चेक करते हैं। 7th में दिया है द फॉर्मुलेशन ऑफ कोबाल्ट 3 क्लोराइड, है ना, कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनिया कॉम्प्लेक्सेस, यानी कि यहां पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका कलर आपको दिया हुआ है येलो कलर का है, इसका फॉर्मूला ये है, पर्पल कलर का ये होता है और ग्रीन कलर का ये होता है। अब इसके बेसिस पे सॉल्यूशन, है ना, यहां पर दिया है सॉल्यूशन कंडक्टिविटी कॉरस्पॉन्ड्स टू, यहां पर हमें वाई दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट्स का रेशियो दिया हुआ है इन दोनों ही केसेस में। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है x एंड y इन द एबव टेबल, तो x और y क्या होगा ऊपर के टेबल में ये हमें बताना है। अब ये सोचोगे देखकर तुम कि सर ये क्या क्वेश्चन दे दिया सर, कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा, है ना, कुछ तो समझ ही नहीं आ रहा कि होगा क्या। कोई बात नहीं, आज हम पढ़ते हैं अच्छे तरीके से, देखते हैं कुछ तो हिंट होगा इसमें। देखो यहां पर ये तुम्हें y फाइंड आउट करना है और ये तुम्हें x फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा कंप्लीट है, है ना तो इसमें x है ना तो y है ना तो z है, मतलब यही क्वेश्चन जो है वो तुम्हें हिंट प्रोवाइड करेगा कि एक्चुअल में तुम्हें करना क्या है, है ना, एक्चुअल में तुम्हें करना क्या है। देखोगे समझोगे ज्यादा अच्छे तरीके से। यहां पर देखो तो इलेक्ट्रोलाइट्स का रेशियो कितना है, 1:2 है, मतलब एक इलेक्ट्रोलाइट्स तुम्हारा 1 मोल है तो दूसरा कितना होगा, 2 मोल होगा, ऐसा कुछ बताना चाहता है, या उसके रेशियो होगा, उसका मल्टीपल होगा, मतलब 1 2 होगा, दूसरा 4 होगा, 1 3 होगा, दूसरा 6 होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, अगर यहां पर तुम देखो तो यहां पर जो नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स है, नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या हो गया, क्लोराइड्स, ये कितना है, 2 है, कितना है, 2 है। और अगर तुम ये वाला देखो, ये वाला इलेक्ट्रोलाइट्स देखो तो ये तुम्हारा कितना है, 1 है, ये तुम्हारा कितना है, 1 है, यानी कि यहां जो रेशियो तुम्हें दिया हुआ है ना वो इलेक्ट्रोलाइट्स का रेशियो दिया हुआ है कि ये तुम्हारा 1 बार है और ये तुम्हारा 2 बार है, मतलब इसके 1 आयंस प्रेजेंट है और इसके 2 आयंस प्रेजेंट है, तब जाकर रेशियो तुम्हारा कितना आया, 1:2 इलेक्ट्रोलाइट्स का रेशियो तुम्हें देखने को मिला। क्या देखने को मिला, 1:2 का इलेक्ट्रोलाइट्स देखने को मिला। इसी बेसिस पे कि तुम ऊपर वाला बता सकते हो क्या, ऊपर वाला बता सकते हो इसमें क्लोरीन के कितने आयंस हैं, तो बोलोगे सर इसके क्लोरीन के 3 आयंस हैं और इसमें इस वाले कॉम्प्लेक्स के कितने आयन हैं, तो 1 आयंस है, तो रेशियो कितना होना चाहिए, 1:3, यानी कि वाई का वैल्यू तुम्हें मिल गया, वाई का वैल्यू कितना होगा, 1:3, कितना होगा, 1:3 जो है वो तुम्हें देखने को मिलेगा। अब 1:3 कौन कौन से में है, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन बी में है, यानी कि सी ऐसे ही कैंसिल हो गया, डी ऐसे ही कैंसिल हो गया। देखो 2 पार्ट तो तुम्हारा कैंसिल हो गया, बस तुमने वाई का वैल्यू निकाला, तो सर अभी भी तो बी होगा कि ए होगा ये हमें नहीं पता ना। चलो इसमें रेशियो तुम्हें दिया हुआ है और रेशियो दिया है 1:1, क्या दिया है, रेशियो 1:1 दिया है, यानी कि यानी कि ऐसा कॉम्प्लेक्स आपको ढूंढना है जिसमें जिसमें सीएल वाला पार्ट भी 1 हो, है ना, जिसमें सीएल वाला पार्ट भी 1 हो तुम्हारा और इधर जो कॉम्प्लेक्स होता है ये भी तुम्हारा कितना हो, 1 हो, तब जाकर वो सही होगा या फिर उसी का कोई मल्टीपल होना चाहिए। जैसे यहां पर देखो तुम्हारा कितना दिया, 3 दिया हुआ है और इधर कितना दिया, 1 दिया, ये तो 1:3 का हो गया ना, 1:3 का हो गया, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन ए जो है वो तुम्हारा नहीं होगा। अब तुम समझ गए हो कि ऑप्शन बी ही होने वाला है। देख लो यहां पर तुम्हारा क्लोरीन कितना है, 1 है और ये भी आयंस कितना है, 1 है, तो रेशियो कितना होगा, 1:1 होगा, रेशियो कितना होगा, 1:1 होगा, यानी कि एक्स कौन सा होगा, तो एक्स होगा तुम्हारा ये, एक्स तुम्हारा कौन सा होगा, ये, और वाई तुम्हारा कौन सा होगा, वाई तुम्हारा ये होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। है सिंपल सा क्वेश्चन बट थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लगाना है, अदरवाइज तुम देख अगर कंफ्यूज हो जाओगे कि एक्चुअल में इसको मैं करना क्या है भाई, है ना, इसमें आखिर करना क्या है, क्या दे दिया हमें, टेबल वेबल क्या दे दिया ये, ठीक है, तो बस इस तरीके से तुम इसका सॉल्यूशन जो है वो कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। कंप्लीट प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लेना।